Hi guys, this is Deepak here. आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी हैं अगर आप वर्कआउट करते हैं तो. प्री वर्कआउट मील, इसे मैं कवर करूंगा 3 W's से. Why, what and when. Why shall we take pre-workout meal? The answer is to give you more energy. Let's say अगर आप किसी भी long trip में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना फ्यूल टैंक फिल करते हैं बिफोर हिटिंग द हाईवे, राइट? द सेम वे वी हिट बिफोर हिटिंग द जिम, वी फिल अवर ग्लाइकोजन स्टोर्स सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग वर्कआउट. सेकेंड थिंग इज टू प्रिवेंट अवर मसल ब्रेक डाउन बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू लूज अवर मसल, इट्स अवर एसेट. जो दूसरा W है दैट इज वॉट, वॉट शैल बी टेक इन प्री वर्कआउट मील. हमारे पास 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. फैट हैज हाई कैलोरिक वैल्यूज विच इज गुड बट इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, सो वी अवॉइड फैट एज अ प्री वर्कआउट मील. तो हमारे पास बची 2 चीजें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट भी हम ले सकते हैं और प्रोटीन भी हम ले सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब. हम दोनों कार्ब्स ले सकते हैं बट उनकी टाइमिंग में डिफरेंस है, वो तीसरे W में कवर होगा, व्हेन शैल वी टेक प्री वर्कआउट मील. तो सबसे मैं पहले बताता हूँ सिंपल कार्ब्स में आप क्या ले सकते हैं. सिंपल कार्ब्स में सबसे अच्छा प्री वर्कआउट मील आप जो ले सकते हैं वो है बनाना. उसमें नेचुरल शुगर है, सिंपल कार्ब्स हैं और पोटेशियम है. अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं चिकन, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, पीनट बटर, ओट मील, दैट्स इट. एंड प्रोटीन, यस वी शुड टेक प्रोटीन बिफोर वर्कआउट टू प्रिवेंट अवर मसल ब्रेक डाउन. नाउ वी कम टू अवर थर्ड वन, when shall we take प्री वर्कआउट मील. अगर आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं तो टेक इट 30 मिनट्स बिफोर वर्कआउट. अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं तो टेक इट 2 to 3 आवर्स बिफोर वर्कआउट. और आपको कितना लेना है, आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं तो यू हैव टू टेक 400 टू 500 कैलोरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब एज प्री वर्कआउट मील. ओके, प्री वर्कआउट के बाद जो दूसरी जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका वर्कआउट एफिशिएंट होना चाहिए. तो उसके लिए जो सबसे पहले टिप मैं दूंगा वो है ब्रीदिंग. कीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सहेल. सो बट देयर इज अ सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो दैट व्हेन एवर यू आर एक्सर्टिंग फोर्स, कभी भी आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, से यू आर डूइंग अ बेंच प्रेस, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो एक्सहेल व्हेन यू आर एक्सर्टिंग फोर्स. व्हेन यू आर डूइंग लैट पुल डाउन, ओके, exhale when you are doing lat pull down. When you are doing biceps curl, okay, so I'll post a video here जिसमें कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें इनहेल और एक्सहेल करना है. लेकिन ये सिंपल लॉजिक है कि जब भी आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज अलग अलग है, किसी एक्सरसाइज में आपको पुल में फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, किसी में पुश में करना पड़ेगा. तो व्हेन एवर यू आर एक्सर्टिंग फोर्स एक्सहेल, उसका भी रीजन है क्योंकि हम इनहेल करते हैं तो वी नीड मोर एनर्जी, एक्सहेल में हमें कम एनर्जी लगती है. और ब्रीदिंग बहुत फ्रीक्वेंट मत रखिए, नॉट लाइक दिस, कीप ब्रीदिंग स्लोली. और क्योंकि अगर आप स्लो ब्रीथ करते हैं तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं. द सेकेंड थिंग इज ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर मोर फ्रीक्वेंटली. आपको पता ही है कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है. तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए कीप ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर एवरी सेट और एक्सरसाइज एज पर योर कन्वीनियंस. तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि व्हेनेवर यू आर इन एनी डाउट आस्क.
ask the trainer. कभी भी आपको doubt हो रहा है कि मैं जो exercise कर रहा हूँ वो मेरी गलत joint में या गलत muscle को hit कर रहा है या मैं गलत कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी injury हो सकती है, तो trainer से पूछिए और तब वो exercise करिए। तो चौथी चीज़ है वो है focus. तो कभी भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मसल. जब भी से लेट्स से आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो आप फोकस करिए कि यहाँ पे आपका प्रेशर पड़ रहा है, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. फोकस करिए अपनी फॉर्म पे कि आप सही से कर रहे हैं. डोंट वॉच टीवी और द पर्सन रनिंग ऑन ट्रेडमिल. जस्ट फोकस ऑन योर फॉर्म एंड फोकस ऑन योर मसल. जस्ट थिंक यू हैव टू ब्रिंग योर ब्रेन फ्रॉम हेयर टू द पर्टिकुलर मसल वेर यू आर डूइंग एक्सरसाइज. वेन यू आर डूइंग shoulder press, feel that you are putting pressure here, means the it is hitting the right muscle. Third topic hai yahan pe main cover karunga, that is the most important topic, that is sleep. Dekhiye, exercise just stimulate your body. What change your body is nutrition and sleep. We have three main pillars of fitness, so sleep, nutrition एंड वर्कआउट. तो इसमें से अगर एक में भी गड़बड़ है तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं या जो आप डिजर्व करते हैं. ओके, तो स्लीप 7 to 8 आवर्स अ डे इन वन शॉट. दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ. प्लीज़ मेक यूज ऑफ कमेंट बॉक्स, उसमें सजेशन लिखिए कि मैं इस वीडियोज़ को क्या कैसे और अच्छा बना सकता हूँ. अच्छे और निगेटिव फीडबैक्स दीजिए और बताइए कि मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ. That's it. Thank you for watching. Bye-bye.